ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर गाजीपुर से है, जहां आरटीआई मैदान में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सभा की। अखिलेश यादव ने गाजीपुर सीट से सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी और बलिया सीट से सपा प्रत्याशी सनातन पांडे के समर्थन में सभा की। अखिलेश यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि गाजीपुर की बुलंद आवाज से बड़े लोग थर्रा रहे हैं। पूर्वांचल की हवा पश्चिम से भी तेज चल रही है। अखिलेश ने दावा किया कि जो लोग 400 पार की बात कर रहे थे वो 400 हारने जा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि जो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा गया है, उनकी जबान भी लड़खड़ा रही है, लोग पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहते। अखिलेश यादव ने आगे क्या कुछ कहा सुनिए। अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान या तमाम यहाँ के बहुत से लोग ऐसे हैं और हर समाज के जिनका शहीदों में और बहुत सम्मान के साथ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के लोग लेते हैं। ये जो लोग हार रहे हैं, हारने के बाद उनका व्यवहार बदल रहा है, उनकी भाषा बदल रही है, उनका जो बोलने का तरीका है वो बदल रहा है, और यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री उनका जो आत्मविश्वास है वो भी उत्तर प्रदेश आते आते लड़खड़ा गया है। और उसका परिणाम ये है कि उनके बातें भी लड़खड़ाने वाली आ गई हैं, और यूपी वाले क्या बताएंगे जिन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो आज उनके साथ जनता दिखाई देती, क्योंकि 10 साल दिल्ली के और 7 साल यूपी के उन्होंने बर्बाद किए हैं। केवल डराना, धमकाना, अन्याय करना, बुलडोजर का डर दिखाना, आप खुद सोचिए, जिस सरकार में 10 परीक्षाएं नहीं हो पाई, पेपर रद्द हो गए, अगर किसी भी एक व्यक्ति पर जिसने पेपर लीक किया उसको पकड़ाओ या बुलडोजर चलाओ उसके यहां तो बता दो। ये अपनी सब नाकामी छिपा रहे हैं। इस बार जनता ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, जो प्रत्याशी है उससे ज्यादा जनता इस बार इन्हें हटाने जा रही है। ये जनता का गुस्सा तो फेस नहीं कर सकती। भैया फर्स्ट चुनाव के बाद जो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बना है वो क्या लास्ट पेज तक बरकरार है? देखिए, पूर्वांचल ने जो संदेश दिया है छठवें चरण में, और मैं कह सकता हूं ये जो भाषा बदल रहे हैं, व्यवहार बदल रहे हैं, जनता वोट डाल करके इन्हें सात समुंदर बाहर फेंक देगी सातवें चरण में। और ये जो 400 पार नारे वाले हैं, आप तो हिंदी समझते हैं ना, 400 पार का मतलब हुआ कि 400 बार, तो कम से कम उनके मुंह से या उनके लीडर्स की तरफ से ये नारा एकदम ठीक आया है। वो जानते हैं कि इस बार 140 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने कहा 400 बार, जो 553 में 543 में अगर 400 पास है तो केवल 143 सीटें बनती है। मतलब यूपी का बड़ा योगदान होगा इंडिया अलायंस के लिए। देखिए, इंडिया अलायंस में उत्तर प्रदेश ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने और खासकर हर वर्ग के लोगों ने कमाल कर दिया इस बार। पूरी ईमानदारी और सहयोग मिल रहा है इंडिया गठबंधन को, और उसका परिणाम ये है जो 80 का नारा दे रहे थे वो अब क्यूटो भी नहीं बचा पा रहे हैं। क्यूटो में पूरी फौज लगा दी उन्होंने, और क्यूटो में इतनी फौज लगाई है अपनी पार्टी की, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके अपने ही उनके साथ नहीं दे रहे, उनके अपने ही पराये हो गए हैं। उनके पास आय दोगुनी का कोई फार्मूला हो तो बता दें। और ये जो नौजवान खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये जनपद वो है जिसने समय समय पर सबसे ज्यादा फौज में भर्ती देने का काम किया है, सबसे ज्यादा शहीद यहाँ हुए, और जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं देश की रक्षा के लिए उन सब में गाजीपुर के नौजवानों का बड़ा योगदान रहा है। कारगिल जैसी चोटियों को वापस दिलाने में गाजीपुर की जनता की, यहाँ के लोगों के, यहाँ के परिवार के जो सदस्य रहे, जो जवान रहे, उनका बड़ा योगदान रहा।
आज बताइए, गाजीपुर का नौजवान जो वर्दी पहनना चाहता है उसको आधी अधूरी नौकरी दे रहे हैं आप। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन तय किया है कि फौज की पक्की नौकरी और जिस तरीके से पहले भर्ती होती उससे ज्यादा भर्ती करा करके नौजवानों को सम्मान की नौकरी और वर्दी पहनाने का काम करेंगे। ये लोग जो बहुत बहादुर अपने आप को बनते हैं, जो अपने आप को बहुत बहादुर उनकी भाषा में उनके शब्दों में न जाने पड़ोसी देश का कितना नाम लेते हैं, उनसे पूछिए कि रजांगला जिस लड़ाई के लिए एक एक जवान ने अपनी जान दे दी और दुनिया के बड़े जो फौज के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि रजांगला जैसी लड़ाई चीन से ऐसी कभी नहीं हुई होगी जहां पर आखिरी बुलेट और आखिरी बॉडी तक जवान लड़ा, आखिरी शरीर जब तक था और जब तक गोली थी तब तक सीमा की रक्षा के लिए भारत माँ की जमीन की रक्षा करने के लिए वहां पे जवान लड़ा, आज वो छीनी जा चुकी है। ये जो बहादुर बन रहे हैं उसे पूछिए कि रजांगला मेमोरियल क्या तोड़ दिया गया कि नहीं तोड़ दिया गया। इनको जाकर के कम से कम रजांगला की लड़ाई में जिन जवानों ने अपनी जान निछावर की उन शहीदों को कम से कम सम्मान देकर के तो आए। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करो अगर बीजेपी से तो उन्हें इलेक्ट्रोल की याद आ जाती है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड की बात करते ही उन्हें दहशत छा जाती है, चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि जो लोग बीफ कंपनियों से पैसे ले लियो, मीट कंपनी जो एक्सपोर्ट करती है उससे पैसे ले लियो, कहने वो क्या कहते हैं हम सनातनी हैं, लेकिन मीट कंपनियों से पैसा लिया, बीफ कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती है उनसे पैसा लिया, और केवल उन्हीं से नहीं लिया जो आज हम महंगाई का सामना कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड ने न केवल इनके भ्रष्टाचार की पोल खोली है बल्कि महंगाई की भी पोल खोल रहे हैं, क्योंकि जो 1,000 करोड़ रुपए कंपनी देगी वो अंतोगत्वा आपसे मुनाफा कमाएगी और उसका परिणाम है कि भ्रष्टाचार के लिए तो एक्सपोज हुए ही हुए और महंगाई भी बढ़ाई है। बिहार में जो है उन्होंने कहा है, आखिरी सवाल है, दिल्ली कब जाएंगे अखिलेश जी? जब गाजीपुर की जनता अफजल अंसारी जी को भेज देगी और सनातन पांडे जी को भेज देगी। कोई जेल नहीं जा रहा है, कोई जेल नहीं जा रहा है, ये सब डराने वाली बातें हैं। ये डरा करके राजनीति करते हैं, अन्याय करके राजनीति करते हैं, और सच्चाई तो ये है कि जो लोग दूसरों को जेल में जाने की बात कह रहे हैं उन्होंने अपनी मित्र मंडली एक एक करके पहले विदेश भेज दी है और मित्र मंडली को भेज दिया है। तो इस बार 4 जून को एक नई फिल्म रिलीज होगी, एक थी भारतीय जनता पार्टी, और जो लोग बाहर जाने की बात कर रहे हैं वो देखिएगा आप के सत्ता से जनता इनको हटा देगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई झूठ बोल सकती है, भारतीय जनता पार्टी पर अगर आपने भरोसा किया आपका भी भविष्य अंधकार में चलाएगा। इस बार देखिए मीडिया के हमारे साथियों, मित्र 4 तारीख को मित्र मंडली बदलेगी। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।